नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड्डा जॉब्स में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आज मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट ने जो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट और एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए यहां पर टोटल 1760 पोस्ट है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का 364 पोस्ट, क्लर्क ग्रेड टू का 1125 पोस्ट और जूनियर जुडिशरी असिस्टेंट का 268 पोस्ट है। अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल्ड मैट्रिक्स देखनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट ने मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रेजुएशन किया हो और कैंडिडेट को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी अपर एज लिमिट 1 जनवरी 2021 को काउंट होगी और आपकी उम्र यहाँ पर 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। रिजॉर्ट कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस की बात करें तो एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस 350 रुपये और बाकी कैंडिडेट के लिए फीस 500 रुपये है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। आगे हम सैलरी की बात करें तो 2 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलेगा और ट्रेनिंग पूरा होने पर आपकी सैलरी लेवल 5 के अनुसार 20,800 रुपये से 65,900 रुपये के बीच होगी। आगे हम इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप होगा आपका 30 मार्च 2020 से 27 अप्रैल 2020 के बीच। फीस पेमेंट होगा आपका 30 मार्च 2020 से 28 अप्रैल 2020 के बीच। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप एग्ज़ाम से 1 वीक पहले, और एग्ज़ाम का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर पार्ट ए हिंदी का 50 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, पार्ट बी इंग्लिश का 50 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का और पार्ट सी जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का। रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें पेपर 1 स्पीड टेस्ट का होगा और इसमें हिंदी का 5 मिनट का टेस्ट 25 मार्क्स का और इंग्लिश का 5 मिनट का टेस्ट 25 मार्क्स का होगा। पेपर 2 इफिशियंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का और यह 50 मार्क्स का होगा। स्किल टेस्ट की ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड्डा जॉब्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।